नमस्कार दोस्तों, स्टडी दंगल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ नवंबर महीने के सेकंड हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो हेल्प करेंगे आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छठी बार फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो जीता है लियोनेल मेसी ने, और ये अर्जेंटीना के हैं, और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरिस, और यहाँ की जो करेंसी है वो है पेसो। भारत सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर पर पहली बार तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी करेगी? तो ये सिक्का होगा 75 रुपए का। सातवीं आरसीईपी अंतर सत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई सिंगापुर में, और ये जो बैठक है वो एशियन कंट्रीज का जो ग्रुप है उसी का एक पार्ट है। और एशियन का 33वां शिखर सम्मेलन वो भी कहां पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। और आरसीईपी की फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अमेरिका स्थित किस ई कॉमर्स फर्म ने भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट का 16 अरब डॉलर में अधिग्रहण पूरा कर लिया? तो ये फर्म है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट बनी थी 1962 में, और फ्लिपकार्ट को बनाया था सचिन बंसल और बैनी बंसल ने 2007 में, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और अभी हाल ही में जो बैनी बंसल है उन्होंने फ्लिपकार्ट के सीईओ के पद से वो रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, और उनकी जगह पर अब जो नए सीईओ हैं उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। नौ से 11 नवंबर 2018 तक विकलांगों के लिए 3 दिवसीय ग्लोबल आईटी चैलेंज का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। भारतीय इंडोनेशियाई नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास की शुरुआत हुई, तो कौन सा अभ्यास है इसकी शुरुआत हुई है? तो ये है समुद्र शक्ति, और जो वरुण है वो होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। जो कॉर्पेट है वो होता है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। सिलेक्स होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इनमें से कौन माउंट गिलवे पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने? तो ये है सत्यरूप सिद्धांता, जो कि एक पर्वतारोही है। माउंट गिलवे जो पर्वत है वो आता है पापुआ न्यू गिनी में। और जो इसकी हाइट है वो है 4,367 मीटर। पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है वो है पोर्ट मॉर्सबे, और यह करेंसी है कीना। एईसी परिषद की कौन सी बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई? तो ये बैठक थी 17वीं, और एईसी की फुल फॉर्म है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। और जो एईसी परिषद है वो आसियान जो देशों का समुदाय है उसी का एक पार्ट है। हाल ही में ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने, और ये एक ब्रिटिश रेस ड्राइवर है। किस देश ने दुनिया के पहले एआई न्यूज एंकर का अनावरण किया? एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये अनावरण किया है चाइना ने। इस न्यूज एंकर को शिनुआ, जो कि चाइनीज न्यूज एजेंसी है, और सोगू.com जो कि चाइना का सर्च इंजन है, दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। हाल ही में कौन सा भारतीय पहलवान 65 किलोग्राम भार वर्ग की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचा? तो ये भारतीय पहलवान है बजरंग पुनिया। 13वां वार्षिक ग्लोबल एक्सपो बोत्सवाना 2018 कहां आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था गाबारोनी बोत्सवाना में, जो कि बोत्सवाना की क्या है राजधानी है, और बोत्सवाना की करेंसी है पुला, बोत्सवाना पुला। हाल ही में भारतीय सेना में किन तोपों को शामिल किया गया? तो भारतीय सेना में अभी 2 तोपें शामिल की गई हैं, जो है M777 फिक्सर एंड K9 वज्र। जो M777 है वो संख्या में लगभग 145 होंगी, और जो K9 वज्र है वो होंगी लगभग 100। M777 को बनाया गया है BAE सिस्टम द्वारा, जो कि यूके की एक कंपनी है, और K9 वज्र स्वदेशी तकनीक से बनी है, जिसको बनाया है लार्सन एंड टुब्रो ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। किस अधिकारी को ITBP के DG के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो अधिकारी हैं SS देशवाल। ITBP की फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, और ये बना था 1962 में इंडो चाइना वॉर के दौरान। राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो के द्वारा भारत के सबसे अधिक भीड़ भाड़ और घिरे हुए शहरों के सूचकांक में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो भारतीय शहर है बेंगलोर, और इस डेटा को इकट्ठा करने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल जो है वो किया गया है।
विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल की तीसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई दुबई में, और दुबई है संयुक्त अरब अमीरात में, और अरब अमीरात की जो राजधानी है वो है अबू धाबी, और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिरहम। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा एशिया और प्रशांत के लिए मुख्य प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया सिद्धार्थ तिवारी को। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है बेसल, स्विट्जरलैंड में, और ये बना था 1930 में, और इसके जनरल मैनेजर उनका नाम है अगस्टीन कारस्टेंस। और इसमें लगभग 60 कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक हैं वो इसके मेंबर्स हैं। इसरो ने आंध्र प्रदेश से जी सेट 29 संचार उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है GSLV मार्क 3 से। जी सेट की फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, और इनका इस्तेमाल डिजिटल डिजिटल ऑडियो वीडियो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, और इस सैटेलाइट का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्र में जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की, उसको दूर करने के लिए किया जाएगा। जीएसएलवी फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और इसरो बना था 1969 में, और इसरो के जो डायरेक्टर है उनका नाम है के सिवान। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। नई दिल्ली में छठे भारतीय सामाजिक कार्य कांग्रेस में किसको मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर मार्था फेरल को, जो इन्हें महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए किए गए इनके योगदान के लिए दिया गया है। 12 और 13 नवंबर को ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। भारत ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानून सहायता के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किए गए मोरक्को के साथ। मोरक्को की राजधानी है रबात, और यहाँ जो लैंग्वेज चलती है वो अरेबिक, और यहाँ की करेंसी है दिरहम। 10 नवंबर 2018 को अनावरण की गई किताब हील्ड के लेखकों का क्या नाम है? तो ये लिखी गई है मनीषा कोइराला और नीलम कुमार द्वारा, और इस किताब में बताया गया है कि कैसे मनीषा कोइराला ने कैंसर से अपनी लड़ाई जीती और कैसे कैंसर ने उनकी लाइफ को जो है वो बदल करके रख दिया। किस राज्य की सरकार ने 6 महीने के लिए राज्य में मछली का आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो राज्य है गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी, और यहाँ के सीएम है मनोहर पर्रिकर। गोवा में नेशनल पार्क है, उनका नाम है भगवान महावीर नेशनल पार्क। जिसको हम मोलेम नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो J&K में है। जल हथकरघा झोपड़ी का उद्घाटन 12 नवंबर 2018 को किस राज्य में लोकटक झील में किया गया? तो राज्य है इम्फाल, मणिपुर में। जो इम्फाल है वो मणिपुर की राजधानी है, और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह, और यहाँ के जो गवर्नर उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ पर जो एक फेमस नेशनल पार्क है उसका नाम है कैबुल लामजाओ। सब्जियों फलों आदि को संग्रहित करने के लिए किस संस्थान ने पोर्टेबल सौर संचालित ठंड भंडारण उपकरण विकसित किया है? तो ये विकसित किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने, और जो इसकी क्षमता होगी वो 500 किलोग्राम होगी, जिससे किसानों को अपनी उपज को सुरक्षित रखने में या संग्रहित करके रखने में आसानी होगी, सरलता होगी। हाल ही में स्टैनली का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे संबंधित थे कॉमिक पुस्तक लेखन से। चीन के फुझो में आयोजित 2018 फुझो चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है केंटो मोमोटा ने, और ये जापान के खिलाड़ी हैं। मूडी की निवेशक सेवा ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2019-2020 नामक अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक धीमी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 7.3% तक, जबकि 2018 में ये 7.4 रहेगी। मूडी एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। एच एन अनंत कुमार का बेंगलुरु में फेफड़ों के कैंसर से लड़ने के बाद निधन हो गया। वे एक राजनीतिज्ञ थे, और बीजेपी सरकार में वे मिनिस्टर थे केमिकल और फर्टिलाइजर के। भारत भर में सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 12 नवंबर को, और ये दिन उस दिन की याद में मनाया जाता है जब गांधी जी
आकाशवाणी का ऑफिस नई दिल्ली आए और उन्होंने 1947 में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को यहां से संबोधित किया। मेघालय सरकार ने 8 नवंबर 2018 को एक्वा मिशन के दूसरे चरण में कितने रुपए निवेश करने की घोषणा की, तो ये निवेश करेंगे 378 करोड़ रुपए। इस मिशन का उद्देश्य है कि मछली के आयात में कमी की जाए और मछली के उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए। जनवरी 2019 में अंतरराष्ट्रीय जनजातीय फिल्म समारोह आयोजित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो यह हस्ताक्षर है अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ और यहाँ की राजधानी ईटानगर और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू और यहाँ के दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक है मौलिम और एक है नामदफा नेशनल पार्क। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक कॉलेज जाने वाले दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा लोग होंगे, तो सबसे ज्यादा लोग होंगे भारत में। इस वक्त भारत में 28.6 मिलियन जो लोग हैं वो कॉलेज में पढ़ते हैं, तकरीबन 736 यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं और 2030 में ये बढ़कर के 140 मिलियन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल रिपोर्ट। हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2018 के स्कीट इवेंट में किस भारतीय पुरुष शूटर ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये पदक जीता है अंगद वीर सिंह बजवा ने और ये चैंपियनशिप हुई थी कुवैत में और कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। ए आर रहमान की जीवनी नोट्स ऑफ ए ड्रीम के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है कृष्णा त्रिलोक। दुबई में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द्वारा ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो सम्मानित किया गया अनंत कुमार को जो कि एक गणितज्ञ हैं और सुपर 30 नामक कोचिंग के संस्थापक हैं। दुनिया भर में रेडियोलॉजी का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, यह दिवस मनाया गया 8 नवंबर को। इस दिन विलहेम कॉनरेड रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी और इसी दिन की याद में ये दिन मनाया जाता है। एलोन मस्क की जगह लेने वाले इलेक्ट्रिक कार टेस्ला के नए अध्यक्ष का नाम क्या है, इनका नाम है रॉबिन डेनहोम्स। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी, तो ये मंजूरी आंध्र प्रदेश राज्य को मिली है क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य अलग हो गया था, तो इसलिए जो उच्च न्यायालय था वो तेलंगाना में चला गया और अब इसलिए आंध्र प्रदेश को अपने अलग उच्च न्यायालय को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया है गफूर रकीमोव को जो कि उज्बेकिस्तान के हैं और एक राजधानी है ताशकंद और यहाँ की करेंसी है उज्बेक सोम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो बस नामक आधुनिक तकनीक युक्त बस सेवा शुरू की, तो ये बस सेवा शुरू की ओडिशा सरकार ने और जिसमें फ्री वाईफाई और सीसीटीवी जैसी फैसिलिटीज में दी जा रही है और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। आंध्र प्रदेश में कृषि के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने $172 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो यह हस्ताक्षर किए हैं विश्व बैंक ने और वर्ल्ड बैंक बना था 1945 में और इसके जो हेड हैं उनका नाम है जिम योंग किम और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। हाल ही में भारत को कब से कब तक अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ परिषद का सदस्य चुना गया, तो भारत को 2019 से 2022 तक के लिए सदस्य चुना गया है और ये जो चुनाव हुआ ये हुआ दुबई में जहां पर अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ परिषद का सम्मेलन हुआ था और वहां पर भारत को चुनाव में 165 वोट मिले जिनमें भारत का 8वां स्थान था। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो हेड है उनका नाम है हाउलिन जहाउ। लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है स्नेहलता श्रीवास्तव को। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं के पता लगाने और विनाश के लिए फ्लोरोसेंट कार्बन नैनोडॉट विकसित किए हैं, तो ये विकसित किए गए हैं IIT रुड़की के द्वारा और हाल ही में IIT मद्रास ने भी प्रोजेक्ट शक्ति के अंदर स्वदेशी तकनीक से बने माइक्रो प्रोसेसर का जो है वो डेवलपमेंट किया है। भारत अंडर 19 क्रिकेटर का क्या नाम है जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है, तो भारतीय क्रिकेटर है सौरभ नेत्रावलकर। T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर। भारतीय सेना के अधिकारियों और चीनी PLA सैनिकों ने
कहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की? तो ये बैठक आयोजित की गई गुमला अरुणाचल प्रदेश में। महिला मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने संगवारी मतदान केंद्र किस राज्य में स्थापित किए हैं? तो ये केंद्र स्थापित किए गए छत्तीसगढ़ राज्य में और यहाँ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के सीएम है रमन सिंह और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सिम्बेक्स का 25वां संस्करण एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश के बीच अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ? तो ये हुआ है सिंगापुर और भारत के बीच में, और सिंगापुर में जो करेंसी चलती है वो है डॉलर, और सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर ही है, और यहाँ के पीएम है ली हेजिन लुंग। पांचवा विश्व इंटरनेट सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ वुजेन चीन में। कौन सा देश जहरीली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो ये देश बना है पलाऊ, और पलाऊ की राजधानी है नेग्रुलमड, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वह यूएस डॉलर। किस देश ने चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया? तो वो देश है भारत। 9 नवंबर 2018 को किसको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया जवाहरलाल सरीन को। इन्हें सम्मान भारत और फ्रांस के बीच में सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने और फ्रेंच भाषा के प्रसार के लिए दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार ने लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर करेज जीता? तो ये पुरस्कार जीता है स्वाति चतुर्वेदी ने। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अशोक कुमार गुप्ता को, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी है। मेडागास्कर गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभय कुमार को, और मेडागास्कर की राजधानी है अंतानाना रिवो, और यहाँ की जो करेंसी है वो है मलागासे मलागासे अरी अरी। नासा का अंतरिक्ष उपकरण जो लूसी मिशन के साथ 2021 में बृहस्पति के टोजन क्षुद्र ग्रहों के साथ यात्रा करेगा उसका नाम क्या है? तो उस उपकरण का नाम है राल्फ। उत्तराखंड ने अपना 18वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये दिवस मनाया गया 9 नवंबर को। उर्दू संस्कृति और इसकी विरासत का जश्न मनाने के लिए एक उत्सव जश्न विरासत है उर्दू की घोषणा किस राज्य ने की? तो ये घोषणा की दिल्ली राज्य ने। खाद्य और कृषि क्रेता विक्रेता मीट कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई जेदा में, जेदा सऊदी अरेबिया में है, और सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद, और यहाँ की जो भाषा है वो है अरेबिक, और यहाँ पर जो करेंसी है वो है रियाल, सऊदी रियाल। भारतीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू की जिम्बाब्वे की यात्रा के दौरान भारत और जिम्बाब्वे के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? तो ये 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, और जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो है हरारे, और यानी करेंसी है वो है यूएस डॉलर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी योग एंड माइंडफुलनेस किताब की लेखिका का नाम क्या है? तो इनका नाम है मानसी गुलाटी। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में 11 नवंबर को मनाया जाता है, और इसी दिन अबुल कलाम आजाद जी की जो है वो जयंती मनाई जाती है, और ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश घूमने के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है? तो ये देश है आइसलैंड, और आइसलैंड की जो राजधानी है वो है रेकजाविक, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है क्रोना, आइसलैंडिक क्रोना। भारतीय रेलवे ने देश के कितने व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर 100 फुट ऊंचा तिरंगा लगाने का निर्णय लिया है? तो ऐसे रेलवे स्टेशन से 75 जिन पर 100 फुट ऊंचा तिरंगा लगाया जाएगा। दुनिया भर में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया 12 नवंबर को। 11 नवंबर 2018 को एटीपी वर्ल्ड टूर अवार्ड्स 2018 में कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीता है नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के खिलाड़ी है, और सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। 11वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई कुवैत शहर में, और यही भारत की मनु भास्कर और सौरभ चौधरी ने मिक्स टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर गोल्ड मेडल जीता। सरकार ने एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी स्थापित की है, यह सभी डैश का डेटाबेस है। तो यह डेटाबेस होगा हाइड्रोकार्बन संसाधनों का, जैसे कि ऑयल,
गैस एंड कोल। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर के क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अच्छी ना लगी हो तो इसे डिसलाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको सारी के सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।